सबसे बड़ी परेशानी के बारे में आज मैं आपको खुल के बताऊंगा। अब नहीं, अब मैं बताऊंगा जो मुझे बताना है आज। कंपनी के ऊपर कंप्लेंट कैसे करें? अब सोचेंगे भाई क्यों ऐसा बोल रहा है। देखिए, अगर आपको पीएफ से जुड़ी हुई कुछ भी परेशानी है, कंप्लेंट देना है, कंप्लेंट कैसे करें, क्या करें, तो आप हमसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर लिंक डिस्क्रिप्शन में है और बहुत कम कंसल्टेशन फीस है। आप पे करेंगे, हम आपको गाइड करेंगे, असिस्ट करेंगे, डेफिनेटली हम आपको पूरा अपना 100% देंगे, और हम देते हैं। ओके, हम इनफैक्ट मैंने रात के 3-3 बजे, 3:30-4 बजे तक मैंने लोगों को कंसल्टेशन दिया हूँ। ओके, जिनको दिया हो उनको मालूम है। और वीडियो को अच्छे लगे हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। बोलो बोलो भाई। देखो, पीएफ एक ऐसी चीज है जिसमें आपको प्रॉब्लम आती है, जो लोग का फर्स्ट टाइम सेटल हो जाता है सब ठीक के बराबर, तो बहुत भाई आप लकी इंसान हो, मैं अभी से बता दे रहा हूँ। ऐसे लोग को प्रॉब्लम्स आती है, इन लोगों को प्रॉब्लम आती है कि जिनकी कंपनी उनके साथ गलत कर देती है। आप बोलेंगे भाई कंपनी क्या गलत कर रही है? कंपनी अगर गलती कर देती है या मेंबर की भी गलती होती है, तो कंपनी का कुछ सपोर्ट नहीं मिलता है लोगों को। अगर आपको सपोर्ट मिल रहा है कंपनी, आप बहुत लकी पर्सन हो। मेरे पास इतने सारे केसेस आते, सर कंपनी हेल्प ही नहीं कर रही है। मैंने कितनी बार कांटेक्ट किया, कॉल किया, मैसेज किया, ईमेल किया, व्हाट्सएप किया, ट्विटर पे ट्वीट किया, मैंने लिंक्डइन पे कांटेक्ट किया, नो रिस्पॉन्स। अब कहाँ जाऊँ? पीएफ ऑफिस गए, बोलते हैं अरे जाओ अपनी कंपनी में बात करो। ईपीएफआई जीएमएस में ग्रीवियंस वाला, प्लीज कॉन्टैक्ट टू एम्प्लॉयर, मुझे वापस से बोले कंपनी से बात करे, जबकि मैं कंप्लेन दी हूँ एम्प्लॉयर के खिलाफ। तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, पीएफ ऑफिस क्या कहते हैं कि भले वो मेंबर एब्सकॉन्ड हुआ हो, टर्मिनेट किया गया हो, या कुछ असेट्स में आपको नुकसान किया हो, कुछ भी है, चलो हम मानते हैं उसने किया है, लेकिन आप उनका पीएफ तो मत फंसाओ। अगर आपको अमाउंट रिकवर करना है, आप अलग तरीके से रिकवर करो। बहुत से लोगों के साथ क्या होता है कि कुछ कंपनी के असेट्स में कुछ ऐसा नुकसान कर देते हैं जिस वजह से कंपनी का लॉस हो जाता है, और फिर वो एब्सकॉन्ड हो जाते हैं और कंपनी को पैसा रिकवर करना होता है, तो वो पीएफ में प्रॉब्लम देना चालू कर देते हैं। भाई उसे हजारों प्रॉब्लम है, उनको बोलने की जरूरत नहीं है, बहुत प्रॉब्लम है, कंसल्टेशन ले लो, समझ जाओगे। अगर कंपनी हेल्प नहीं कर रही है तो मुझसे बताओ, मैं बता रहा हूँ कैसे क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप, सही तरीके से, लीगल तरीके से, प्रॉपर तरीके से, जरूर आपकी हेल्प होगी।